देवास से श्री दिनेश कुमार जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, कोई यदि हमारे बारे में बुरा सोचता है तो क्या उससे हमारा बुरा होगा। उसी में उन्होंने एक प्रश्न और पूछा है कि लोग एक दूसरे के बारे में या हमारे बारे में बुरा क्यों सोचते। प्रश्न अच्छा है दिनेश जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, आपने पूछा है कि इससे हमारा बुरा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा बुरा, क्योंकि कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है और ये मैं सोच रहा हूं और ये सोचकर मैं कमजोर बन रहा हूं तो निश्चित हमारा बुरा होगा। यदि आप महसूस करोगे कि वो बुरा सोच रहा है इसलिए मेरा बुरा ही होगा तो मैं कहता हूं जरूर बुरा होगा। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो हम अपने बारे में बुरा क्यों सोचते हैं। हमें तो अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, और यदि हम अच्छे हैं तो कोई बुरा भी सोचे तो मैं कहता हूं कि हमारा बाल बांका भी होने वाला नहीं है। कौवे तो रोज कोसते हैं कि जानवर मर जाए तो हमारा भोजन हो जाए, लेकिन कौवे के कोसने से जानवर नहीं मरा करते हैं। लोग कितना भी हमारे बारे में बुरा सोचते रहें, बुरा चिंतन करते रहें, जब तक उनके बुरे चिंतन को हम महसूस नहीं करेंगे, जब तक उनके बुरे चिंतन को हम अपनी कमजोरी नहीं बना लेंगे, तो ध्यान रखना यदि कमजोरी बना ली तो हमारा बुरा जरूर होगा। नहीं, कमजोरी मत बनाइए। लोगों का काम सोचना है, लोगों का काम बोलना है, हमारा काम अच्छा करना है, ध्यान रखना है। तुमने पूछा है, एक बात ध्यान रखना, वही लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे हारे हुए हैं। जो हारता है वही दूसरे के बारे में बुरा सोचता है। वो फेलियर आदमी है, वो असफल आदमी है जो हमारी सफलता पर बुरी नजर रखा करता है। ये आदमी की फितरत है। जब आदमी अपने आप से हार जाता है, जब आदमी के चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आदमी बार बार असफल होता है, जब आदमी हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है, तो वह बुरा ही सोचता है, बुरा ही बोलता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी याद करना कि बाजू वाला बच्चा यदि अच्छे नंबर ले आए और मेरा बच्चा कम नंबर लाए तो उस समय हम ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है या उसका बच्चा पढ़ने में होशियार है। आप यही सोचते हैं कि वो बेईमानी से अच्छे नंबर लाया होगा, उसने नकल की होगी, उसने चीटिंग की होगी, वरना मेरे बच्चे से अच्छे नंबर कैसे ला सकता है। किसी का व्यापार हमारे देखते देखते बढ़ जाए, वह ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाए तो उस समय हम ये नहीं सोचते कि उसका भाग्य चमका है, उस समय हम ये नहीं सोचते कि उसके पास बिजनेस माइंड है इसलिए वह सफल हो रहा है। हम यही सोचते हैं बेईमानी कर रहा है, नंबर दो कर रहा है, घोटाले कर रहा है, सब बेईमानी का पैसा है। ध्यान रखना, ऐसा कौन लोग बोलते हैं जो उससे जीत नहीं पाते हैं। तो हमारा बुरा वही सोचेंगे जो हमसे जीत नहीं पाते हैं, जो हमसे हारे हुए लोग हैं। हारे हुए लोगों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वरना हमारी जीत को भी हार बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम तो अपनी मस्ती से अपनी तरक्की करते जाएं। लोगों का ये सोचने का काम है, अच्छा सोचते या बुरा सोचते हैं, इससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता।